पाकिस्तान एक और खतरनाक क्राइसिस की जानिब बढ़ रहा है और वो क्राइसिस सोलर एनर्जी की वजह से पैदा हो रहा है। जी हाँ, दुरुस्त सुना आपने, वही सोलर एनर्जी जिसके बारे में हम सुनते थे कि ये पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस को हल कर देगी, वो पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस में अपना इनपुट डाल रही है। और हैरत की बात है कि पाकिस्तान में ऐसे लोग और ऐसी पॉलिसीज मौजूद हैं जिन्होंने सोलर एनर्जी जैसी रहमत को भी जहमत बना के रख दिया है। तो जैसे जैसे पाकिस्तान का एनर्जी क्राइसिस शदीद होता जा रहा था, बचपन में मैं ये सुन रहा था 2005-06 में कि जी सोलर एनर्जी पाकिस्तान के मसलों का हल है और सोलर पैनल्स आ जाएंगे, सब मसले हल हो जाएंगे। आपको याद होगा 2005-06 जब मुशर्रफ दौर का इख्तिताम हो रहा था, पाकिस्तान का जो एनर्जी क्राइसिस था वो शदीद होता चला जा रहा था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में वो अरूज पर पहुँच गया था। शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो जमात है जिसको सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस को डीपन करने में। ये बेनज़ीर की 95 की हुकूमत ही थी जिन्होंने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा के पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस को गंभीर बना दिया, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन अभी हम देखेंगे कि ये सोलर वाले मामले पर क्या चल रहा है। तो जैसे हम सबको पता है कि 2006-07 के करीब पाकिस्तान में लोड शेडिंग बढ़ गई, उसके बाद पीपल्स पार्टी के दौर में ये बहुत ज़्यादा हो गई, 2016-17 के करीब ये कुछ स्टेबल हुई और आज तकरीबन वही हालात हैं। लेकिन इस पूरे क्राइसिस में एक नई चीज़ ऐड हुई है जो पिछले 1-2 सालों में देखने को मिली है, वो ये कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स, पाकिस्तान में जो बिजली के बिल हैं वो आम इंसान की पहुंच से दूर हो चुके हैं। और हम सबको याद है पिछली गर्मियों में कि एक आम बंदे का भी 40 से 50 हज़ार के करीब बिल आया है। मेरे स्टूडियो में जो लड़का सफाई करने आता है वो 2 जॉब्स करके कुल 37 हज़ार रुपया कमाता है और उसका बिल 20 हज़ार आया था 3 माह मुसलसल, जून, जुलाई और अगस्त, 20 हज़ार। और वो बार बार एडवांस पेमेंट का मुतालबा करता था कि मैंने बिजली का बिल जमा कराना है। और मोस्ट लाइकली यही सिचुएशन होने जा रही है बिजली के बिलों की इस गर्मियों में भी, क्योंकि अगर आप इस वक्त मैक्सिमम फ़ी यूनिट की बात करें, पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइस है वो 65 रुपये फ़ी यूनिट तक पहुंच चुकी है। 22 रुपये से ये प्राइस शुरू होती है जो कि 65 रुपये तक पहुँच चुकी है और एशिया की सबसे महंगी बिजली हम दे रहे हैं अपनी आवाम को। और बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तानी सरकार को कोई इस बारे में नहीं एहसास कि जो निचला तबका है वो किस तरह इसको मैनेज कर रहा है, किस तरह लोगों की ज़िंदगियों में फाके पड़े हुए हैं और किस तरह लोग सरवाइव कर रहे हैं। ये हकूमती जो अहदेदार हैं वो नहीं समझ सकते, जिनके पास हकूमती गाड़ियाँ हैं, जिनके पास हकूमती अहदे हैं, जिनके पास फ्री बिजली है, जिनके पास फ्री पेट्रोल है। तो इस सारे क्राइसिस के पैरेलल में एक रेवोल्यूशन हो रहा था और वो था सोलर रेवोल्यूशन। इस हवाले से 2017 में भी अच्छी पॉलिसीज बनी, 2019 में, 21 में पाकिस्तान ने सोलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग करने की कोशिश की और इसमें पाकिस्तान की सरकार भी इन्वॉल्व थी, जिन्होंने इस पे ड्यूटीज़ कम करवाईं और ये कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोलर का इस्तेमाल करें। अभी भी हुकूमत को देख रहे हैं तो वो सोलर को बात तो करते हैं कि हमने सोलर पैनल्स को डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करना है और बहुत सी चीज़ें, क्योंकि लोग अब तंग आ गए थे इतने ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की वजह से। ये ट्रेंड मैं तकरीबन पिछले 6-7 साल से देख रहा था और पिछले साल की अगर हम बात करें तो ये इंटेंसिफाई हो चुका है। मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और पिछले दिनों मेरा इस्लामाबाद का चक्कर लगा तो आपकी जो कश्मीर हाईवे है, जब आप उस पर लेफ़्ट पर नज़र दौड़ाएँ तो G11 और ये G10 के जो एरियाज़ हैं, ये लेफ़्ट पे आपको सारी ये जो पट्टी नज़र आती है इस्लामाबाद के सेक्टर्स की, तकरीबन मुझे 70-80% छतों पर सोलर नज़र आए। यही हाल लाहौर के एरियाज़ में है। कुछ सोसाइटीज़ हैं, ये बहरिया वगैरह, ये बड़ी इसमें स्क्रूटनी करती हैं कि जी आपको सोलर नहीं लगवाना, आपने हमसे बिजली लेनी है, मुआहदे किए हुए हैं। लेकिन इस वक्त आप देख लें क्लियरली, ये गुलबर्ग वगैरह में, लाहौर के इलाकों की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, तो आपको हर जगह इस वक्त सोलर पैनल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनकी कीमतों में काफ़ी हद तक कमी हुई। हुकूमत ने भी इसको अप्रिशिएट किया, लोगों को डर था, लोगों के बिजली के बिलों से उन्होंने जान छुड़ानी थी, उन्होंने सोलर लगवा लिए। जिनके पास 20-25 लाख रुपये पड़े हुए थे उन्होंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट थी। उन्होंने कहा कि हर साल जो आपने लाखों के बिल देने हैं उससे अच्छा कि वही आपकी 2 से 3 साल में इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाएगी, बल्कि 2-3 साल से भी पहले, एस्टिमेटेड ये 1.5 से 2 साल बनते हैं कि आपकी सोलर की जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरी हो जाती है और आपको आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल से छुटकारा हो जाता है। और मैंने देखा मेरे बहुत से दोस्तों ने भी लगवाया और उसमें
नेट मीटरिंग का एक सिस्टम भी होता है जिसमें आप पूरा ये सिस्टम तो आपका वापडा से ही कनेक्टेड होता है। तो नेट मीटरिंग के तहत ये होता है कि सोलर यूजर्स जितनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो वापस सरकार को बेचते हैं। तो इस तरह ना सिर्फ वो बिजली के बिलों से बच जाते हैं बल्कि सरकार उनकी मकरूज भी हो जाती है, क्योंकि सरकार ने उनको वापस पे बैक करना होता है वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने प्रोड्यूस की होती है नेट मीटरिंग के ज़रिए। वो पूरा सिस्टम लगा होता है, तो इस वक्त वो जो सिस्टम है वो 2200 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से इन सोलर सार्फिन को पैसे देता है, उनसे बिजली ख़रीदता है जो एक्स्ट्रा ये बिजली प्रोड्यूस करते हैं। और वो जो सरप्लस पावर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, आजकल ये जो आम आपके कंज्यूमर्स हैं वो वापस ग्रिड को चली जाती है। तो ये इस वक्त अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 3000 मेगावाट से ज़ायद जो आपके लोकल सार्फीन हैं वो सोलर के ज़रिए बिजली पैदा करना शुरू हो गए हैं। तो इसकी वजह से कौन सबसे ज़्यादा थ्रेटन हो गया है? आपके इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स और आपकी सरकार। जी हाँ, 21 या 22 रुपये फी यूनिट के हिसाब से वो जो लोकल सार्फीन से बिजली ले रहे थे, अब हुकूमत सोच रही है कि उस रेट को 21 रुपये से 11 रुपये कर दिया जाए, यानी आधी कीमत। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने सोलर लगवाया हुआ है और मैं एक्स्ट्रा अपने क्रेडिट में से एक्स्ट्रा जनरेट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी, तो अगर मैंने एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया है जो सरकार को मैंने दिया, तो मुझे पहले जो 21 मिलते थे वो अब 11 रुपए मिलेंगे मुझे सरकार से। मतलब हुकूमत ने आधा, तकरीबन रेट उसको आधा करने का सोच रही है हुकूमत। और इसके अलावा हुकूमत सोलर सार्फिन पर टैक्स लगाने का भी सोच रही है, एक फिक्स टैक्स के वो भी आयद कर दिया जाए। अब ये हुकूमत क्यों कर रही है, मतलब सोलर को एक दफ़ा फिर डिस्करेज करने की कोशिश क्यों की जा रही है? मतलब अजीब सी बात है कि एक मुल्क में जो हम 15-16 साल से सुन रहे थे कि सोलर को प्रमोट होना चाहिए, होना चाहिए, हर हुकूमत यही कहती थी, हर जो भी आती थी वो कहती थी आईपीपी से छुटकारा हासिल करना है, आईपीपी से जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ रीनिगोशिएट करना है, तो अगर वो नहीं करेंगे तो सोलर को हम ले आएंगे। तो जब सोलर आ गया बहुत ज़्यादा मुल्क में, तो अब सरकार डर गई है। अब वो डर क्यों गई है कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ जो मुआहदे किए हुए हैं अब वो पाकिस्तान की इकॉनमी को मुँह चिढ़ा रहे हैं। जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, जो बड़े बड़े हैवी अमाउंट्स इनको देनी होती हैं, अब सरकार वो पैदा करने में मुश्किल का शिकार है। वो मैसिव अमाउंट्स जो इनके साथ मुआहदे किए गए थे बहुत पहले, और उस वक़्त जब इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ जो जब पाकिस्तान को लाया गया था 95 में बेनज़ीर के दौर में, उस वक़्त ये बड़ी उजलत में मुआहदे किए गए थे, और इनको जो पेमेंट्स करनी होती थी कैपेसिटी पेमेंट्स वो डॉलर के हिसाब से की जाती थी। तो पिछले 2-3 सालों में जो बिजली की कीमतें डबल ट्रिपल हुई हैं, इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि आपका डॉलर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ है रुपये के मुकाबले में। इसकी वजह से भी आप देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा बिल्स देने पड़ रहे हैं जो वापडा से बिजली लेते हैं, जो सार्फीन, हम जैसे सार्फीन, क्योंकि हकूमत जिनसे बिजली लेती है हकूमत ने वापस उनको भी पैसे देने होते हैं, और वो डॉलर्स में देने होते हैं। वो फटीचर डील्स हकूमत ने साइन की हुई हैं उनके साथ, जो हकूमत अभी फ़िलहाल उन डील से नहीं निकल सकती। तो अब जब हकूमत देख रही है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग सोलर लगवा रहे हैं, तो हकूमत अब परेशान हो गई है कि ये टैक्स किसे इकट्ठा करेगी। जब सारी सोलर लगवा लेंगे तो वापडा का जो बिजली का बिल होता है, जो 65 रुपये फ़ी यूनिट इन्होंने किया हुआ है, वो तो देगा नहीं कोई, क्योंकि सबके घर सोलर लगे होंगे। तो हुकूमत अब इससे परेशान हो गई है कि वो जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को पैसे देने थे वो हम कहाँ से देंगे। वो सर्कुलर डेट आपका उसमें इजाफा होता रहता है, और आपकी इकॉनमी पर एक बहुत बड़ा बोझ बन चुके हैं ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। और ये उस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत थे, और बहुत से मुल्कों में ये बड़ा सक्सेसफुली भी इनका मॉडल चला है, क्योंकि एक कंपटीशन होता है, इसकी वजह से वो हर कोई कम रेट देने की कोशिश करता है। लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ कि पाकिस्तान ने मुआहदे ही ऐसे कर लिए, कुछ शायद उस वक्त अपने दोस्तों को भी बख्शना था, कुछ ऐसे वीक डील्स हमने साइन कर ली कि आज तक हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। और यही हमने सीपैक के साथ भी किया, और यही हमने और भी बहुत से मुल्कों के साथ किया है, अमेरिका के साथ भी यही किया है कि हमने उनको बहुत ज़्यादा अलाउ किया है कि हम अपना खिलवाड़ करने दें उन्हें। अब इनमें आईपीपीज में बहुत सी कंपनीज़ ये अमेरिका की और वेस्टर्न कंपनीज़ हैं, और इसमें हमारे कुछ लोकल पावर प्रोड्यूसर्स भी हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं। और बीच में ये रेंटल पावर प्रोड्यूसर्स का भी कॉन्सेप्ट आ गया था, ये जब राजा परवेज 2012 में प्राइम मिनिस्टर बने थे तो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था कि चलो रेंट पे ले लेते हैं, रेंटल पावर जो प्लांट्स हैं उनसे हम बिजली ले लेते हैं, तो इनको राजा रेंटल का नाम दिया गया था।
तो इस तरह पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया गया, इतने ख़तरनाक मुआहदे किए हुए हैं और ये चलते भी तेल पर हैं, तेल भी महंगा हो जाए तब भी हमारी बिजली महंगी हो जाती है, डॉलर महंगा हो जाए तब भी हमारी बिजली महंगी हो जाती है। तो इसकी वजह से आप देख रहे हैं पिछले 2 से 3 सालों में बहुत ज़्यादा बिजली के यूनिट में इजाफा हुआ है, आम आदमी की तो कमर टूट के रह गई है। तो इसको काउंटर करने के लिए जब लोगों ने सोलर लगवाना चाहा और लोगों ने धड़ाधड़ सोलर लगवाने शुरू कर दिए, तो हुकूमत अब देख रही है कि हमारे पास वो जो बिजली के बिलों में हम टैक्सेस इकट्ठे करते थे अब वो कहाँ से आएंगे। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पाकिस्तान की 20% पॉपुलेशन ने सोलर लगा लिया है, 10 से 20%, तो वो 20% वो अब उन्हें हर्ट कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स पूरी नहीं हो रही थी। तो अब हुकूमत को इधर भी 10 से 20% कमी का सामना करना पड़ेगा जिन लोगों ने सोलर लगवा लिया, क्योंकि इन्होंने तो नहीं कुछ देना इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को, ये तो हम लोगों ने देना है जिनके घर सोलर नहीं लगे हुए। तो अब हुकूमत को ये डर है कि हमें मज़ीद बोझ डालना पड़ेगा उन सार्फीन पर जिनके घर सोलर नहीं लगे हुए, जो कि वापडा से बिजली लेते हैं, जो आम कंज्यूमर होते हैं, जो ज़्यादातर लोग हैं, और वही पाकिस्तान का मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास तबका है और गरीब तबका है, वो मज़ीद अब पिसेगा इन गर्मियों में। पिछले साल 30 से 40 हज़ार बिल आए थे, अब वही 60 से 70 हज़ार भी हो सकते हैं, जो पिछले साल गुजारा नहीं हो सकता था वो इस साल कैसे होगा ये मेरी समझ से बाहर है। जो सोलर सार्फीन हैं जिन्होंने लाखों सेव किए हुए थे, उन्होंने इन्वेस्ट कर लिए, वो फिर भी बचत में रह गए हैं इस वक्त। वैसे तो वो भी बड़ा गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि उनके जो उनसे यूनिट ख़रीदा जाएगा वो आधी कीमत पर होगा, और इसके अलावा उन पर एक फिक्स टैक्स लगाने की भी बातचीत हो रही है जिसको हुकूमत ने फिलहाल डिनाई कर दिया है। लेकिन अब बातचीत शुरू हो गई है और हुकूमत में बहुत से ऐसे लोग कह रहे हैं कि जी ये 2200 रुपये का जो रेट है ये बिल्कुल फिजिबल नहीं है और हमें सोलर सार्फीन से भी कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, यानी कि ये जो कुदरती एक एनर्जी थी जो सूरज हमें प्रोवाइड करता है इस पर भी अब टैक्स लगाने की बात हो रही है। और जो कहा जाता था कि सोलर एनर्जी पाकिस्तान के सारे मसलों को हल कर देगी, अब ऐसा लग रहा है कि वो पाकिस्तान के मौजूदा एनर्जी क्राइसिस में ऐड अप हो रही है। और ये डेफिनेटली सोलर एनर्जी का नहीं कसूर, ये हमारी फटीचर पॉलिसीज़ का कसूर है जो हमने गलत मुआहदे किए हुए हैं, जो हमने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को खुली छूट दी हुई है, वो इतना ज़्यादा मुनाफा कमा भी चुके हैं लेकिन हमारी हुकूमत उनसे रीनिगोशिएट नहीं कर पा रही। इमरान खान के दौर में एक ख़बर आई थी कि रीनिगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ऑब्वियसली वो इतनी कामयाब नहीं हुई थी वो एफ़र्ट्स। लेकिन उस वक़्त उनकी सरकार ने बड़ा प्रोपोगेट करने की कोशिश की थी, बड़ा मार्केट किया था कि जी हमने रीनिगोशिएट कर लिए हैं, और लेकिन हुआ कुछ नहीं। उसके बाद हमने देखा है कि बिजली के बिल कितने ज़्यादा आए हैं। तो हुकूमत के मुताबिक ये जो करंट पेस है सोलर एनर्जी की, ये जो सोलर पैनल्स हमारी छतों पे लग रहे हैं, इसकी वजह से हुकूमत के सारे प्लान्स ख़राब हो गए हैं जो कैपेसिटी पेमेंट्स के थे जो इन्होंने आईपीपीस को करने थे। यानी जो एक अच्छी चीज़ हो रही है जो लोग सोलर की तरफ जा रहे हैं, उसकी वजह से हुकूमत का जो एक गलत प्लान है वो ख़राब हो रहा है हुकूमत के मुताबिक। और इसमें हुकूमत की तरफ से एक बात ये भी कही जा रही है कि देखो जी अगर हम सोलर पर टैक्स लगा रहे हैं तो ये तो अमीर पर ही टैक्स लगेगा ना, तो ये अमीरों ने अपने आप को तो सेव कर लिया सोलर लगा के और गरीबों का नहीं सोचा कि जी बाकी जो बिजली के बिल का नज़ला है वो गरीबों पर पड़ेगा जिन्होंने सोलर नहीं लगवाया हुआ। तो इसके लिए ये गलत सोच है हुकूमत की। ये अमीरों या उन लोगों पर आप ब्लेम ना करें जिन्होंने सोलर लगवाया, आप अपनी पॉलिसीज़ को भी ज़रा आप नज़रसानी करें और ज़रा हिम्मत करें और आईपीपीस के साथ आप रीनिगोशिएट करें जो उनके साथ आपने बैड टर्म्स पर साइन किए हुए हैं कि आप उनसे महंगी बिजली ख़रीदेंगे और लोगों को महंगे दामों देंगे और उनको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स देंगे प्रॉफिट में। ये देखिए ना कितनी ज़्यादती है पाकिस्तानी कंज्यूमर्स के साथ कि अगर हमने बिजली कंज्यूम करनी है और हमें उन ख़राब मुआहदों की वजह से ज़्यादा बिल देने पड़ रहे हैं क्योंकि हुकूमत ने ये सारी डील्स डॉलर के हिसाब से साइन की हुई हैं कि आपको डॉलर में हम कैपेसिटी पेमेंट्स करेंगे, हम आपको डॉलर में पे बैक करेंगे। यानी कल को खुदा ना खास्ता डॉलर अगर 500 पे चला जाता है, ये तो वैसे भी अभी डबल हुआ है, 150 से 300 पे जो गया था, तो इसीलिए बिल डबल हुए थे हमारे। मतलब आलमी मार्केट में रुपए की कदर कम हो गई है तो उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा इस सूरत में कि हमें हमारे बिजली के बिल डबल हो जाएंगे। ये हुआ है पाकिस्तानी लोगों के साथ। और मुल्क में एक और बहुत बड़ा तबका वो भी है जो कि सोलराइजेशन को डिस्करेज नहीं करना चाहता, जो चाहता है कि ये जो इस वक्त एक ट्रेंड हम देख रहे हैं अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री है सोलर पैनल्स की, वो बरकरार रहे और लोग इसी तरह सोलर एनर्जी की तरफ जाते रहें। लेकिन एक पावरफुल तबका है जिसका इसमें नुकसान होगा, जो हुकूमत के अंदर इनके दोस्त बैठे हुए हैं आईपीपीस के, और वही लोग हैं जो सोलर पैनल्स की ग्रोथ में रुकावट चाहते हैं।
और सोलर पावर को पाकिस्तान में अनफीजिबल बनाना चाहते हैं, ताकि पाकिस्तान में उसी तरह कन्वेंशनल सिस्टम लगता रहे जितने सोलर लग गए हैं। ठीक है, ज़्यादातर सार्फीन की तादाद वही होनी चाहिए जो कि वापडा से बिजली लेते हैं, और वापडा किससे लेती है, इन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से। और वापडा जब तक आईपीपी से बिजली लेती रहेगी, आईपीपी खुश रहेंगे। और एक सर्टन अमाउंट है वो चाहते हैं कि जी इतनी आपने हमसे लेनी लेनी है। और बहुत से एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये प्रेशर भी आईपीपी की तरफ से ही आ रहा है कि सोलर एनर्जी की ग्रोथ में रुकावट डाली जाए, इनके पे बैक रेट्स कम किए जाएं और इन पर टैक्स लगाया जाए ताकि सोलर की ग्रोथ हैम्पर हो। लेकिन यहाँ हकूमत को एक बात जहन में ज़रूर रखनी होगी कि पाकिस्तान जो रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहा है, कहीं पाकिस्तान की उन एफर्ट्स को नुकसान ना पहुंच जाए अगर आप सोलर एनर्जी की राह में रुकावट डालेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी की हुई हैं कि हम इतना ज़्यादा ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएंगे, सोलर की तरफ जाएंगे और फॉसिल फ्यूल्स पर अपनी डिपेंडेंस कम करेंगे, क्योंकि सारे बिजली घर आपके तेल पर और ईंधन पर चलते हैं। तो इनसे छुटकारा पाना है, पाकिस्तान ने ग्लोबल कमिटमेंट्स की हुई हैं और पाकिस्तान ने उनको एक परसेंटेज बताई हुई है कि इस साल तक हम इतना ये अचीव कर लेंगे, इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में ग्रीन एनर्जी होगी। और पाकिस्तान ने अगर सोलर एनर्जी की राह में रुकावट डाली तो इंटरनेशनल कमिटमेंट से भी पाकिस्तान फिर जाएगा और वहाँ से भी पाकिस्तान को पेनल्टी लग सकती है और आलमी जो इमदाद है पाकिस्तान के लिए वो भी मुतासर हो सकती है, जो कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत से मुल्कों ने पाकिस्तान को प्लेज किया हुआ है कि हम आपकी मदद करेंगे, वो मदद भी शायद वो कैंसिल कर दें अगर आप सोलर एनर्जी की राह में रुकावट बनेंगे। इस मामले में क्लाइमेट चेंज और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को भी जहन में रखना होगा और फ्यूचर को भी देखना होगा कि क्या सारी ज़िंदगी अपने हमने बिजली घर तेल से ही चलाने हैं या फिर रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है। तो पाकिस्तान में जो इतना बड़ा एक शिफ्ट हम देख रहे हैं, ये फॉसिल फ्यूल से सोलर एनर्जी की तरफ इसको जारी रहना चाहिए। बेशक अभी गरीब और लोअर मिडिल क्लास के पास बजट नहीं है कि वो सोलर पैनल्स लगवा सके बड़े बड़े, लेकिन एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए आपकी जो डायरेक्शन है वही होनी चाहिए, उसी सिमत में हमें आगे बढ़ना चाहिए और हकूमत को आईपीपीस के साथ जो मुआहदे हैं उनको रीनिगोशिएट करना चाहिए ताकि कंज्यूमर पर दबाव थोड़ा कम पड़े। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में हकूमत किसको फेवर करेगी, पाकिस्तानी कंज्यूमर्स को या इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स आईपीपीस को। क्या आप पाकिस्तान में सोलर एनर्जी की ग्रोथ को कम होता हुआ देख रहे हैं इन डेवलपमेंट्स की वजह से, या आपके ख्याल में सोलर एनर्जी का जो ट्रेंड है वो इसी तरह आगे बढ़ेगा और इसमें तरक्की होगी? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।